नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी राठौर। आज मेरे साथ मौजूद है अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महिला संघ की संस्थापक अध्यक्ष रेखा जैन जी। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी कैसे शुरुआत हुई? ऐसा है, महिलाओं के क्षेत्र में तो 23 साल पहले हुई, परंतु समाज सेवा के क्षेत्र में मेरे हस्बैंड वीरेन कुमार जी जैन के साथ मैंने जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से 1985 से काम शुरू हुआ था और उसी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। पहले परिचय सम्मेलन, विधवा विधुरों के पुनर्विवाह, उनका परिचय सम्मेलन, ऐसे छोटे छोटे काम करते करते आगे बढ़ी और फिर ये महिलाओं के क्षेत्र में 23 साल पहले काम शुरू किया। वो भी मेरे जीवन साथी वीरेन जी के मार्गदर्शन में ही मैंने काम किया और समाज के लोगों ने इस संगठन को बनाया और बोले महिलाओं का एक संगठन होना चाहिए ताकि समाज की कोई भी काम हो उसमें एक साथ सब महिलाएं इकट्ठी होकर उस कार्य को कर सके। तो इसलिए अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महिला संघ का स्थापना हुई 23 साल पहले और मैं एक एक कॉलोनी जाके महिलाओं से मिलके और महिला संघ बनाना शुरू किए। लगभग मैंने 3 साल में 40 महिला संघ बना लिए थे और फिर मैंने केंद्रीय इकाई का गठन किया कि मुझे मेरे साथ और भी लोग होना जो इस कार्य को आगे बढ़ाए, क्योंकि मेरे बाद में भी इसे संभालने वाले चाहिए, ऐसा मैंने सोच के एक सेंट्रल बॉडी बनाई जिसमें अभी 350 महिलाएं हैं और ये 5000 महिलाओं को मार्गदर्शित करती है 350 महिलाएं मिलके, और 70 महिला संघ इसके अंतर्गत काम करते हैं इंदौर और इंदौर के आसपास, जैसे सावेर है, उज्जैन है, रतलाम है, जावरा, बड़वा और आष्टा, ऐसे छोटे छोटे जगह को हमने इसमें जोड़ के और हमने कार्य प्रारंभ किया। महिलाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए मैम आपने क्या किया है? सबसे पहले आज से 20 साल पहले एक स्पीच कम्युनिकेशन, एक डॉक्टर शीतला मिश्र जो मेरे गुरु थे, कैसे बोलना, कैसे खड़े रहना, क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, बोलने सुनने की कला के लिए पहले किशोर वाणी खेल किए थे हमने, जिसमें 5,000 बच्चों ने भाग लिए थे, 100 स्कूलों के 5,000 बच्चे 8वीं से 12वीं तक। फिर मैंने वही चीज महिलाओं के लिए शुरू की कि अधिकतर जीवन में जो भी रगड़े झगड़े और परेशानी है ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से या बोलने और सुनने की कमी की वजह से, अगर समस्या भी जीवन में आती तो उसी से वो समस्या का हल भी होता है तो बातचीत के तरीके से होता, तो फिर कैसे बोले, कैसे खड़े रहे, क्या करे, तो उसके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किया और ये लगभग 3 महीने कंपटीशन चली और उसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया और जो पहले फर्स्ट 3 आई थी उस समय आज से 20-25 साल पहले 3100, 2100, 1100 ऐसे इनाम दिए और बहुत सारे इनाम बांट के इसमें महिलाओं को कैसे आगे आके बात करना प्लेटफॉर्म दिया और महिलाएं उससे जो घर में थी, एक घूंघट में थी, जो बाहर आ गई और अपनी दिल की इच्छाएं उन्होंने पूरी करना शुरू की। समाज सेवा के क्षेत्र में मैम आप महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग और बच्चों के लिए भी कुछ करते हैं जी? फिर हम ये काम करते करते महिलाओं को हमारे पास संगठन हुआ, अकेला व्यक्ति कोई नहीं कर सकता पर उसके साथ अगर टीम वर्क हो तो हर काम वो कर सकता है, जो वो चाहे वो कर सकता है। फिर हमने पिछले 3-4 साल से बाल विकलांग, जो बच्चे जन्मजात विकलांग है वो चल नहीं सकते हैं, वो मेंढक की तरह कूद कूद के चलते हैं, ऐसे बच्चों को हम पहले लाए 70 बच्चे, उसके बाद में पिछले साल 127 बच्चों का ऑपरेशन कर उन्हें अपने पैरों पे खड़ा किया यूनिक हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रमोद नीमा के सहयोग से हमने किया और ये बच्चे फिर चलने लग गए तो हमारा उत्साह वर्धन हुआ। इस साल हमने हमारे अध्यक्ष ज्योति जी छाजे, उनकी इच्छा थी बुजुर्गों के ऑपरेशन, जो घुटने की वजह से ज़्यादा चल नहीं पाते, घर में बैठे रहते, तो हमने घुटना प्रत्यारोपण शिविर लगाया, एक ऑपरेशन लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए में होता है, वो हमने निशुल्क किया, लगभग 108 बुजुर्गों के घुटना प्रत्यारोपण किए जो मध्य प्रदेश ही नहीं आसपास के राज्यों से भी आए थे और हर कास्ट के थे, उसमें
हमने ये नहीं देखा कि कौन आया, कहाँ से आया, क्या नाम है। जिसको जरूरत थी, जिसका चेकअप, हमने उनके सारे चेकअप भी निशुल्क किए, क्योंकि एक एज के बाद अधिकतर लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाली बीमारी रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स रहती, तो वो सारे चेकअप करना भी जरूरी थे। तो वो सारे चेकअप भी निःशुल्क किए, और उसके बाद जिनको ज़्यादा आवश्यकता थी, ऐसे 108 लोगों के घुटना प्रत्यारोपण करवाए। और आज वो बुजुर्ग जो घर में बैठे हुए थे, और वो दिल ही दिल में जैसे कहते हैं डिप्रेशन में जा रहे थे, कि क्योंकि वो घूमने नहीं जा सकते थे, पर घुटना सही होने के बाद में उनकी लाइफ बदल गई। पर्यावरण के क्षेत्र में भी आपने कुछ विकास कर किया? जी, महिला संघ के माध्यम से हर साल वृक्षारोपण करते हैं, परंतु इस साल हमने पूरा BSF जो कि एयरपोर्ट के पास है वो गोद लिया था, और उसमें बहुत बृहत वृक्षारोपण हरियाली से खुशहाली इस टाइटल के साथ शुरू किया था। उसके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ थी सुमित्रा ताई महाजन, और पूरे BSF के जवान और हमारी हजारों महिलाएं एक साथ एक बिगुल के साथ हमने वृक्षारोपण किया, जिसकी हमने रिपोर्ट PM ऑफिस भी भेजी। सामाजिक कार्य के इस क्षेत्र में मैम आपको अभी तक कितने अवार्ड मिल चुके हैं? वैसे तो कई सम्मान हर साल मिलते हैं, परंतु विशेषकर एक घुटनों के लिए मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा दिया गया। इसके पहले हमने कुकिंग महिलाओं के लिए और लड़कियां, जो खासकर बच्चे 11th 12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, तब वो पिज़्ज़ा पास्ता या ब्रेड खाते हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं इनको ऐसी कुकिंग सिखाई जाए जो झटपट वो बना भी ले, हेल्दी भी हो और हमारे भारतीय भी डिश हो। तो हमने पूना से शोभा इंदानी को बुलाया, और लगभग हमने हजारों बेटियां और महिलाओं को दो दो दिन के कुकिंग वर्कशॉप लगा के, कम से कम एक वर्कशॉप में 4,000 बेटियों ने भाग लिया था, और जिसमें हमने चाइना का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, और हमको गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उसमें भी सम्मानित किया। इसके अलावा स्मृति ईरानी द्वारा मुझे विजय राजे सिंधिया अवार्ड दिया गया। इसके पहले भी नारी शक्ति अवार्ड मिल चुका है, और ऐसे अवार्ड्स तो मिलते हैं, परंतु अवार्ड इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि काम महत्वपूर्ण है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ये थी रेखा जैन जी, जो सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.